पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइटल सर्च रिपोर्ट, जब भी कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है, मॉर्टगेज आदि रखता है या कोई भी प्रॉपर्टी को रखकर उसके अगेंस्ट कोई चार्ज वगैरह तो नहीं है, मॉर्टगेज तो नहीं रखी हुई है, इन सब बातों का पता करने के लिए बैंक द्वारा एक टाइटल सर्च रिपोर्ट तैयार कराई जाती है। इसके लिए बैंक में एडवोकेट्स का एक पैनल रहता है जिसकी जानकारी आप संबंधित बैंक से ले सकते हैं और उस एडवोकेट से टाइटल सर्च रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना आपका जो भी टाइटल है उसके संबंध में आपको रिपोर्ट तैयारी करानी होती है, तैयार ये एडवोकेट द्वारा तैयार की जाती है। इसके लिए सारे दस्तावेज और उसकी चेन कब कब ये 25-30 साल से प्रॉपर्टी, अभी लगभग 13 साल की प्रॉपर्टी सर्च रिपोर्ट बनाई जाती है जिसमें संबंधित एडवोकेट जाकर उस संपत्ति की, सबसे पहले तो आपको वो इम्पोर्टेंट दस्तावेज जिस पर लोन लिया जा रहा है, कहीं आपने कोई मॉर्टगेज तो नहीं रखा है, उस पर कोई एनकम्ब्रेंसेस तो नहीं है, प्रॉपर्टी सेल तो नहीं कर दी है, कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है, ये सारी बातें देखनी होती है। इसके लिए कोर्ट जो भी आपके पास सर्टिफाइड कॉपी या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको एडवोकेट्स को देने होंगे, वो संबंधित कार्यालय में जाएगा, उन दस्तावेजों की जांच करेगा कि ये वास्तव में जेन्युइन है कि नहीं। तो वो चैन से मिलाते हुए जब से ये प्रॉपर्टी अस्तित्व में आई, किस किस को ट्रांसफर हुई, सारी बातें पता ली की जाएगी। रजिस्ट्रार वगैरह के यहाँ कोई रजिस्ट्री हुई है तो उसे वो वेरीफाई करेगा। फिर इसके लिए आपको संबंधित जो भी सॉरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में लेने के बाद जब वेरिफिकेशन हो जाता है तो एक एफिडेविट भी देना होगा कि इस प्रॉपर्टी पर किसी तरह का कोई लोन एनकम्ब्रेंसेस नहीं है और इसका क्लियर कट टाइटल है, आपके पक्ष में है, आपने कभी कोई लोन नहीं लिया है, कोई किसी तरह का उस पर भार नहीं है, कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा है, ये शपथ पत्र तो देना होगा। इसके बाद संबंधित जो भी कार्यालय में वो करता है वहां से उसे रसीद कटवानी होगी कि उन दस्तावेजों का उसने वहां से वेरिफिकेशन कर लिया है और वो सही पाया है। इसके बाद एक हफ्ते का लगभग इसमें समय लगता है और इसको एडवोकेट्स पूरा एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है जिसमें टाइटल सर्च रिपोर्ट का वो फॉर्मेट भर के और उन दस्तावेजों की वेरिफिकेशन का सारा हवाला, पार्टीज का नाम, क्या दस्तावेजों की स्थिति है, किस किस के पक्ष में कब कब हुआ, ये सारी डिटेल भरकर अपनी ओपिनियन के साथ एडवोकेट अपनी फीस का भी एक वो लगाकर या तो बैंक में जमा करेगा या आपको टाइटल सर्च रिपोर्ट एक हफ्ता करीब करीब लगता है बनाकर देगा। इसके आधार पर आप कोई भी टाइटल सर्च रिपोर्ट के आधार पर कोई लोन, बैंक लोन या जो भी मॉर्टगेज वॉर्टगेज आप करना चाहते हैं वो सब ले सकते हैं। संबंधित बैंक के एक पैनल का कोई भी एडवोकेट इस कार्य को करता है, प्राइवेट भी आप करा सकते हैं लेकिन उतना वो ऑथेंटिकेटेड नहीं रहता है। तो इस प्रकार टाइटल सर्च रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कोई भी लोन चाहे फाइनेंस आप जब कराते हैं उसके लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने टाइटल सर्च रिपोर्ट के संबंध में एकदम संक्षिप्त जानकारी आपको देने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक आपसे अनुरोध है कि यदि इस चैनल पर विभिन्न टॉपिक्स पर, लीगल टॉपिक्स पर मैं जानकारी दे रहा हूँ, आपने अभी तक आप इस चैनल पर नए और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ तथा इस वीडियो को अपने मित्र, दोस्त, परिचित और संबंधियों को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।